हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में आप लोगों का हाथ और पैर में क्या चेक किया जाता है, ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस जो ये आप लोगों की प्रॉब्लम होती है इसको आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। देसी नुस्खे बताऊंगा, उससे आप लोग एक महीने के अंदर अंदर ही अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की तो कोई बता ही नहीं सकता आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं मेडिकल में क्या चेक किया जाता है, हम ये भी बता रहे हैं मेडिकल से आप लोगों को किस तरीके से कंप्लीट करना है मेडिकल और ट्रेनिंग पर किस तरीके से पहुंचना है। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है, बताना उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को उस चीज़ को पास कराना उद्देश्य है। टेस्ट की तैयारी तो आप लोग कर लेते हैं और फिजिकल मेडिकल की तैयारी हम पे छोड़ दीजिए। अब देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल में आप लोगों के हाथ पैरों में क्या चेक किया जाता है, तो पहले बता दें आप लोगों का हाथ के अंदर एंगल्स चेक किए जाते हैं। करिंग एंगल्स होते हैं तो उनको चेक किया जाता है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं आप लोगों को स्टैंडर्ड अलग अलग दे रखे हैं, क्योंकि उनका जो करिंग एंगल होता है दोनों का डिफर होता है। तो आप लोगों को इस तरीके से चेक किया जाता है। प्रॉपरली स्केल से चेक किया जाता है एसएससी जीडी के अंदर, प्रॉपर स्केल से क्या चेक किया जाता है। जो आप लोगों के पुलिस के होते हैं उनके अंदर तो नॉर्मली चेक कर लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर स्केल से चेक किया जाता है, जैसा मैंने पिछले मेडिकल में देखा है। तो आप लोगों का जो स्केल से चेक किया जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का क्या चेक किया जाता है, टैटू। अगर आप लोगों ने टैटू बनवा रखे हैं तो आप लोगों को अभी से बता दूँ, आप लोगों ने इस तरीके से कोई टैटू बनवा रखे हैं तो अभी से आप लोग इन चीज़ को या तो इस चीज़ अगर टेम्परेरी हैं तो इनको उतरवा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की बिल्कुल भी अलाउड नहीं चलेगी। आप लोगों का टैटू जो होता है वो आप लोगों का धार्मिक है तो चल जाता है, धार्मिक टैटू चल जाता है। फिर आप लोगों का ये टैटू चल जाता है, आप लोगों का हैंड के लंबाई से 1/4 टैटू है तो वो भी स्टैंडर्ड साइज है, वो भी चल जाता है। और इसमें भी एक आप लोगों की कंडीशन है कि सलामी के दौरान आप लोगों का टैटू जो है डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, अगर डिस्क्लोज होता है तो बिल्कुल नहीं चलता। तो ये आप लोगों की जो कंडीशंस होती हैं, जो टैटू के ऊपर कंडीशन बनाई गई हैं एसएससी द्वारा, तो ये आप लोगों को फॉलो करनी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का जो है पैरों पे आ जाते हैं। तो पैरों में आप लोगों की नौकनी और फ्लैट फुट चेक किया जाता है। नौकनी की कंडीशन बताएं, अगर कोई कैंडिडेट इस तरीके से खड़ा है तो उसे घुटने मिल जाते हैं तो ये नौकनी की प्रॉब्लम होती है। फ्लैट फुट की बात करें तो फ्लैट फुट आप लोगों का बिल्कुल फ्लैट होता है, उसमें कर्विंग नहीं होती है तो ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, तो इसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं देसी नुस्खे से। तो क्या किस तरीके से करना है, देखिए अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप लोग गूगल पर सिंपल सी सर्च मारिएगा हाउ टू रिकवर नौकनी प्रॉब्लम, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। उसमें पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, उस पिक्चर्स में जो भी आप लोगों को पिक्चर्स दिखेंगी उसमें आप लोगों को बता दें, आप लोगों को सिंपल सा उसके अंदर आप लोगों को एक नुस्खा मिलेगा कि आप लोगों को जो तकिया बांधकर या फिर अपने पैरों के बीच तकिए देकर सोना है। सिर्फ आप लोगों को सोना ही तो है, रात को जब सोएं तो पैरों के बीच तकिए दे लीजिए तो आप लोगों की कवर हो जाएगी नौकनी की, आप लोग इससे कवर हो जाएगी। फ्लैट फुट की बात करें तो आप लोग कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी, आप लोगों को रनिंग शूज़ पहनने होंगे, और उन एक्सरसाइजों को आप लोग दो महीने भी कर लेते हैं तो ईजिली ये चीज़ कवर हो जाएंगी और आप लोग इससे ओवरकम कर पाएंगे और आप लोग का फिजिक मेडिकल है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग बता दिया हमने कि आप लोगों को किस तरीके से रिकवर करनी है प्रॉब्लम। आप लोगों को जो हैंड गेस्चर की बात करें तो हैंड गेस्चर के अंदर अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पर आप लोगों का एंगल है, आप लोगों को जो एंगल बनाना है हाथ का वो उस तरीके से बनाना है जैसा वहाँ पर कहे जाए। बेशक आप लोग अपनी तरफ से बना दीजिए, कितना भी वो कहें आप लोग कह दीजिएगा यही एंगल बन रहा है, तो उससे कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसर्न कीजिए, कोई आप लोग हड्डी के डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, वो आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग ये वीडियो थी हैंड और लेग्स के ऊपर एसएससी जीडी कांस्टेबल के में से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं किसी इसी तरीके की नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।